आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? तो सुनिए, जो लोग वहां जेल में बंद हैं, वो भी किसी का परिवार है, वो एक ऐसे गुनाह की सजा भुगत रहे जो उन्होंने किया ही नहीं है, बल्कि उन्हें तो फंसाया गया है। मम्मी जी और काम्या दीदी ने उन्हें फंसाया है। प्रिंस, हमारे परिवार वालों ने तो हमें यही सीख दी है कि चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, साथ हमेशा सच्चाई का देना चाहिए। एक बहू होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने ससुराल वालों की गलतियों को सुधारें, उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें जो गलतफहमियों की वजह से तितर बितर हो गए हैं। एक ऐसी गलतफहमी की वजह से राहुल जी जो अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो गए थे, पर आज जब उनके सामने सच्चाई आई है तो अपनी पत्नी के खिलाफ खड़े हैं। ये एक ऐसा धर्मयुद्ध है जहां अपने अपनों के विरुद्ध खड़े हैं। अपनों को बचाने के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। पूरे समाज के सामने राहुल जी जो ने हमें अपनी बहन स्वीकार किया था, हमारा कन्यादान किया था, आज हम एक बहन होने का फर्ज निभाना चाहते हैं और सच का साथ देना कब से गलत हो गया प्रिंस? प्रिंस, तुम अपने परिवार के सच्चे बेटे हो। लेकिन हम तो तुम्हारी तरफ बन ही नहीं पाए। अरे, हमने तो अपने परिवार वालों की खिलाफत की और तुम सच जानते हुए भी कि तुम्हारी मम्मी और काम्या दीदी गलत है, उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे। और एक हम है प्रिंस, जो ये जानते हैं कि हमारा परिवार निर्दोष है, फिर भी हमारी वजह से वो जेल में सड़ रहे हैं। अरे बचाओ हमको! अरे प्रिंस, अरे हमको मार डालेंगे ही लोग। चलो गीताजी, खटखटा रही हो, इधर आके देखो। जिस प्रिंसू से तुम दरवाजा खोलने की गुहार लगा रही हो ना, वो तो अपनी बीवी के साथ बोरियां और बिस्तरा बांधकर जा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे हटो तुम्हें। प्रिंसू, अपनी मॉम को छोड़ के चला गया।
उस बम से मुंह फेर लिया जिसने उसकी हर गलती पे पर्दा डाला। गीतांजलि, मॉम और काम्या दीदी ने आपको बहुत तकलीफ दी, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आई एम रियली सॉरी। हम कौन होते हैं किसी को माफी या सजा देने वाले। वैसे भी गलती आपकी मम्मी और काम्या दीदी ने की, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो हमारी बात पर विश्वास किया, इसका मतलब आपको सही और गलत की परख है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। काफी रात हो गई है, आप सो जाइए। गुड नाइट। सॉरी, लेकिन हम क्या करें? बस हम इतना जानते हैं कि हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हमने सच का साथ दिया। गीता जी। जी रघु जी। हमारी बात आप जरा ध्यान से सुनिए। बोलिए। हमने सब इंतजाम कर दिया है गीता जी, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। वो कहा है ना कि हमने अभी अभी दरोगा के लतखोरों को पैसा खिला के परमिशन ले लिया है आपको अपने परिवार वालों से मिलाने की खातिर। और हाँ, जरा सावधानी से आइएगा। और हाँ गीता जी, कैसे आना है ये तो आपको मालूम है ना? जी बिल्कुल वैसे ही आएगा। समझ गए, हम बस अभी निकलते हैं। अंजलि इस वक्त बाहर जा रही है।
और क्यों? चलिए रघु जी, चलिए भैया। प्रांजलि, और इतनी रात को ये कहां जा रही है? गीता जी, वो कहा है ना कि हम आपको अकेले लड़ते हुए देख रहे थे, और आपको अकेले लड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि ये छुपे गीता जी वही है, और आपको देखकर इस बात का यकीन हो गया कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं रघु जी, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। या ऐसा क्यों सोच रही हैं? कहा है ना कि तो ये धर्म युद्ध जो है अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, और राहुल को भी अब सच्चाई समझ में आ गई है। कल कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, और मैं पूरा यकीन है कि आपका परिवार सकुशल जो है वो छूट जाएगा। और गीता जी, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि भगत परिवार के पहले जैसे दिन वापस लौट आए। पच्चीस साल के रिश्ते को उसे एक लड़की के चक्कर में प्रिंसू ने भुला दी, जिसे मिले उसे 25 दिन भी नहीं हुए। और वो भुला भगत राहुल, अपनी फैमिली को छुड़ाएगा और हम लोगों को सड़ने के लिए जेल के अंदर कराएगा। कल हम सब लोग इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। मैं अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। विशाल के बेटे को ये सजा काहे देगा? मनोरमा जी, आप देखिएगा, विशाल का बच्चा अपनी गीतू के रूप में हमारे परिवार में जन्म लेगा, और आप देखिएगा अपनी गीतू ही वापस लौट कर आएगी। गलती की इन लोगों ने, और हमारे इकलौते सन को हमसे पार्टीशन करके इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। इनको क्या लगता है कि मालिनी यादव अभी डेड हो गई? मालिनी यादव अब भी जिंदा है, घायल शेरनी की तरह है। अब देख, घायल शेरनी की तरह ऐसे चिथड़े करेंगे, ऐसे चिथड़े करेंगे, उस नाटक के लिए कुछ हो नहीं बचेगा। देख ले, हम क्या करते हैं। कल सुबह का सूरज उगते ही शुरू हो जाएगा मालिनी यादव का कहर।
अपनी बिटिया की तू कहाँ चली गई थी तुम बेटा? गीतू, गीतू, कैसी हो गीतू? हे परी, तुम्हारी कृपा अपरंपार। बात बताओ बेटी, तुम इतने दिनों से थी कहाँ बेटिया? हमको तो सबने बताया कि तुम बहुत लंबी कहानी है पापा, वो सब हम बाद में बताएंगे। इस वक्त हम आप लोगों को ये बताने आए कि इस काली कोठरी में ये आप लोगों की आखिरी रात है। हम तो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे गीतू, हम सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर गीतू के बगैर कैसी दुनिया होगी, पर हमने भगवान ने ना हमें वो खुशी वापस लौटा दी। मिल गई हमें गीतू भाई। तुमको देख लिया, सारे कष्ट दूर हो गए बेटा। तुम जिंदा हो, बस हमें इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है पापा। हम अपने पूरे परिवार को उसी तरह हंसते खेलते देखना चाहते हैं। और देख, हमारा विश्वास है कि ये जरूर पूरा होगा, क्योंकि अब हमारी तरफ से केस राहुल भैया लड़ रहे हैं। राहुल? पर बेटा राहुल तो, हाँ पापा, वो मालिनी यादव के बहकावे में आ गए थे, सही गलत की पहचान दे रही थी। लेकिन अब जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली, उनके सामने मालिनी यादव की असलियत आई है, तो उन्हें उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है। बिटिया, तुम्हारी ये सब बातें सुन के तुम्हारे पापा के सारे दुख दूर हो गए, सब दुख दूर हो गए बेटा। आप मत रोइए पापा, बस अब आप और नहीं रोएंगे। पर बेटिया, तुम इतनी रात गए हमसे मिलने के आई हो, कोनो साथ है कि नहीं? डॉक्टर साहब, हम हैं ना आपके बेटे। रखो, हमेशा खड़े हैं आपकी बिटिया के साथ, आप सबको जेल से निकालने के लिए। बेटा, तुम हमारी बिटिया के साथ खड़े हो, हमें कोनो चिंता नहीं, हमें पूरा विश्वास है तुम दोनों मिलकर हमें इस नरक से बाहर निकालोगे बेटा, जरूर है निकालोगे। अच्छा पापा, अब हम लोग चलते हैं, कल आप लोगों को कोर्ट में मिलते हैं। पर बिटिया, तुम इस वक्त रह कहां रही हो? देखो बेटा, उस मालिनी से बच के रहना, वो बहुत ही खतरनाक औरत है बेटा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए पापा, हम मामी के साथ हैं, आप लोग घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये तो बिटिया, कहाँ बात है बिटिया, कौनो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? अब हम झूठ नहीं बोल सकते अपने पापा से।